पूरे देश में रामनवमी की धूम है। अयोध्या में राम मंदिर में आज के दिन विशेष व्यवस्था की गई है। दोपहर के समय रामलला की मूर्ति के माथे का सूर्य की किरण से अभिषेक किया गया। मंदिर प्रबंधन ने विज्ञान का इस्तेमाल कर 5.8 सेंटीमीटर प्रकाश की किरण के साथ रामलला का सूर्य तिलक किया है। इस मौके पर 10 भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम राम मंदिर में तैनात थी। दोपहर 12 बजे से लगभग 3 से 3.5 मिनट तक दर्पण और लेंस का उपयोग करके सूर्य की रोशनी को रामलला की मूर्ति के माथे पर सटीक रूप से स्थापित किया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए अथक प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने दर्पण और लेंस से युक्त एक उपकरण तैयार किया था। NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक और निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार रामचारला के हवाले से कहा कि ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत इसे अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम में 4 दर्पण और 4 लेंस होते हैं जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर फिट होते हैं। एक एपर्चर के साथ पूरा कवर ऊपरी मंजिल पर रखा जाता है। दर्पण और लेंस के माध्यम से सूर्य की किरणों को गर्भगृह की तरफ मोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि अंतिम लेंस और दर्पण पूर्व की ओर मुख किए हुए श्री राम के माथे पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करते हैं। सूर्य की किरणों को उत्तर दिशा की ओर दूसरे दर्पण की ओर भेजकर प्रत्येक वर्ष रामनवमी के मौके पर सूर्य तिलक बनाया जाता है। पाइपिंग और अन्य हिस्से पीतल का उपयोग करके बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दर्पण और लेंस की क्वालिटी भी काफ़ी उच्च है, जिससे कि ये लंबे समय के लिए टिके। पाइप के अंदर की सतह को काले पाउडर से रंगा गया है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश बिखरने नहीं पाए। सूर्य की गर्मी की तरंगों को मूर्ति के माथे पर पड़ने से रोकने के लिए एक इंफ्रारेड फिल्टर ग्लास का उपयोग किया जाता है। इस टीम में CBRI रुड़की और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस टीम ने सौर ट्रैकिंग के स्थापित सिद्धांतों का उपयोग करके मंदिर की तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक सूर्य की किरणों के सटीक संरेखण को व्यवस्थित किया। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से तकनीकी सहायता और बेंगलुरु स्थित कंपनी ऑप्टिका ने इस पूरी प्रक्रिया में मदद की है। वहीं जब राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक समारोह हो रहा था, PM मोदी उस वक्त असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मगर जनसभा को संबोधित करने के तुरंत बाद PM मोदी ने अपने टैब में उस अद्भुत पल में रामलला का दर्शन किया, जब सूरज की रोशनी से भगवान श्री राम का मस्तक जगमग हो रहा था। खुद PM मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी और फोटो शेयर की है। खास बात यह है कि PM मोदी जब रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत क्षण को देख रहे थे, तब उनके पैर में जूते नहीं थे। PM मोदी ने अपने टैब में रामलला का दर्शन किया और प्रणाम किया। PM मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। बता दें कि रामनवमी के अवसर पर बुधवार को अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक दर्पण और लेंस से युक्त विस्तृत तंत्र के माध्यम से किया गया। इस तंत्र के जरिए सूर्य की किरणें राम की मूर्ति के माथे पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को उद्घाटन किए गए नए मंदिर में राम मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है।